मड़ोडी थाने क्षेत्र में BLW रेलवे अंडरपास के करीब एक बुजुर्ग का शव पेड़ से लटकता हुआ मिलने से सनसनी फैल गई। 70 वर्षीय बुजुर्ग का हाथ बंधा हुआ था। मृतक जौनपुर का निवासी बताया गया है। शव मिलने की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी तो मौके पर थाना अध्यक्ष मड़ोडी पहुंचे और आला अधिकारियों को स्थिति से अवगत कराया, जिसके बाद ADCP वरुणा जोन प्रबल प्रताप सिंह और ACP कैंट भी घटनास्थल पर पहुंचे और छानबीन की। पुलिस के अनुसार शव के पास से आधार कार्ड और एक चश्मा मिला है, जिसके आधार पर जांच की जा रही है। वहीं हाथ बंधे होने से हत्या की आशंका जताई जा रही है। जानकारी में रहना चाहूंगा, ये रेलवे ट्रैक के किनारे जो कि भुल्लनपुर हॉल्ट स्टेशन के पास में है, यहाँ पर पेड़ के से लटकी हुई डेड बॉडी मिली है जो BLW कैंपस के ठीक बाहर मौजूद है और हाथ बंधे हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे मर्डर करके डेड बॉडी को टांग दिया गया हो। बॉडी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और आइडेंटिफाई करने के पश्चात में इस केस को जल्दी से जल्दी वर्कआउट किया जाए। पहचान कराने वाला है, कुछ पता चला है क्या? देखिए, अभी हम पहचान एस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी जनता के लोगों से, आसपास के लोगों से और जो डॉक्यूमेंट्स इनके पास से बरामद हुए हैं उनके माध्यम से इनको आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं और आइडेंटिफाई करने के साथ ही इनको जल्दी जल्दी वर्कआउट करके मुलजिमों को जेल भेजा जाए। बॉडी को टांगा गया है और जिस प्रकार से हाथ बंधे हुए हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि मर्डर करके डेड बॉडी को टांगा गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार गुरुवार को दलित महिलाओं संघ श्री काशी विश्वनाथ दरबार में मत्था टेकने पहुंचे। दर्शन पूजन के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बाबा का दरबार सर्व प्राणियों के लिए है। बाबा जातियों और मजहब से भेदभाव नहीं करते। आज काशी से पूरे देश को समरसता और समानता का संदेश जा रहा है। दलितों संघ बाबा के दर्शन करने पहुंचे इंद्रेश कुमार ने कहा कि भारत की संस्कृति ही मानव जाति और मानवता की संरक्षक और पालक थी और है। यह कट्टरता नहीं है, तो जो लोग इसे कट्टरता कहते हैं उनके बुद्धि का उपचार जरूरी है। वाराणसी के LBS इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जम्मू के लिए सीधी विमान सेवा आज से प्रारंभ हो गई है। इस हवाई रूट पर अभी तक कोई भी विमान नहीं चलता था, जिसके चलते यात्रियों को दिल्ली होते हुए जम्मू जाना पड़ता था। विमान सेवा प्रारंभ हो जाने से जम्मू से वाराणसी के बीच आवागमन में आसानी होगी। पहले दिन विमान में सवार होकर 43 यात्री जम्मू गए। जम्मू जाने वाले यात्रियों को एयरलाइंस द्वारा ग्रीटिंग कार्ड दिया गया। यात्रियों ने बताया कि पहले ट्रेन से जाने में 28 से 30 घंटे लग जाते थे, अब विमान सेवा प्रारंभ हो जाने से समय की बचत होगी। ये विमान सिर्फ 95 मिनट में जम्मू पहुंचेगा। मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र के भीखीपुर गांव स्थित पेट्रोल पर बीती रात नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने असलहे के बल पर पंप के सेल्समैन से 64,700 रुपए की लूट को अंजाम दिया और फरार हो गए। घटना CCTV में कैद हुई है। फिलहाल घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने CCTV फुटेज के माध्यम से बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं भुक्तभोगी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बेनीपुर गांव निवासी सेल्समैन सुभाष चंद्र पटेल रोज की तरह बुधवार की रात तेल की बिक्री का लगभग 64,700 रुपए जेब में रखकर पेट्रोल पंप के बाहर खड़ा था। इसी दौरान दो बाइक से 5 नकाबपोश बदमाश सेल्समैन के पास पहुंचे और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के सामने गुरुवार दिन में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब शक्तिनगर से गोरखपुर जा रही रोडवेज की बस पर पत्थर चलाने वाले एक साइकिल सवार की रोडवेज कर्मियों ने जमकर पिटाई कर दी। मारपीट होता देख मौके पर पहुंचे ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने किसी तरह पिट रहे युवक को भीड़ से अलग किया और अपने साथ लेकर चले गए। इस दौरान वहां काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। रोडवेज बस ड्राइवर अभिषेक मौर्य ने बताया कि हम शक्तिनगर से बस लेकर वाराणसी आए हैं। वाराणसी कैंट स्टेशन के पास सवारी उतारने लगे तो बगल से निकला एक साइकिल सवार गाली देने लगा। इस पर उसे डांटा तो वो और गाली देने लगा। उसके बाद जब बस आगे बढ़ने लगा तो वो साइकिल बस के सामने लेकर खड़ा हो गया, बस पर पत्थर मार दिया। इसके बाद हम लोगों ने उसे पकड़ लिया। दिल्ली के CM और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल के घर भाजपा युवा मोर्चा के सदस्यों द्वारा की गई तोड़फोड़ के विरोध में गुरुवार को वाराणसी जिला मुख्यालय पर आप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आपके जिलाध्यक्ष कैलाश पटेल के नेतृत्व में आम आदमी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया।
इस संबंध में जिलाध्यक्ष कैलाश पटेल ने बताया कि बुधवार को दिल्ली में लोकप्रिय सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर भाजपा सांसद और भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ तोड़फोड़ की है, जो कि आपराधिक कृत्य है। इससे ये प्रतीत होता है कि भाजपा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से भयभीत है। बरसात में सीवर ओवरफ्लो को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने अभी से सीवर की सफाई का कार्य शुरू करवा दिया है। सबसे पहले घाट किनारे स्थित सीवरों की सफाई की जा रही है। इसी क्रम में गुरुवार को नगर आयुक्त प्रण सिंह और नगर स्वास्थ्य अधिकारी एनपी सिंह ने संयुक्त रूप से मणिकर्णिका घाट का स्थलीय निरीक्षण किया और सीवरों की सफाई का कार्य शुरू करवाया। इस दौरान स्थानीय लोगों की मांग पर उन्होंने प्याऊ और शौचालय के लिए जगह भी चिन्हित कर जल्द से जल्द कार्य शुरू करवाने की बात कही है। वहीं इस दौरान बेतरतीब तरीके से घाट पर लकड़ियां रखे जाने पर नाराजगी जाहिर की और उसे हटवाने का निर्देश भी दिया। कोरोना काल के बाद पहली बार चैत्र नवरात्र का पर्व बिना किसी बंदिश के मनाया जाएगा। 2 अप्रैल से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्र को देखते हुए वाराणसी पुलिस ने फुल प्रूफ व्यवस्था की है। माता के 9 स्वरूपों के मंदिरों में से 7 काशी जोन में पड़ते हैं। ऐसे में DCP काशी जोन ने सभी मंदिरों में की गई व्यवस्थाओं की जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने गंगा घाट पर स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं से गहरे पानी में न जाने की अपील की है। देवी माँ की आराधना का पर्व चैत्र नवरात्र 2 अप्रैल से शुरू हो रहा है। गहरे पानी की तरफ जो है लोग न जाएं, इसके बोर्ड भी लगवाए गए हैं और सभी मैं अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि लोग जो है गंगा जी में गहरे के पानी की तरफ न जाएं। जो निर्धारित बोर्ड लगे हैं या बैरिकेटिंग है जल पुलिस की, उसका जरूर पालन करें। निर्धारित क्षमता से अधिक नाव में न बैठें और अपने सामान की भी ध्यान रखें और कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु नज़र आती है तत्काल पुलिस को सूचित करें। सर, ये पार्किंग की जो व्यवस्था है वो किस किस जगह पे है और मंदिर परिसर से कितनी दूर पे पार्किंग रहे क्या? ये नगर निगम के द्वारा पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं और इसके अतिरिक्त भी यदि कहीं कोई खाली जगह है और जिससे कोई ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है तो ऐसे स्थलों को भी चिन्हित किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था पर सर कितना ध्यान रहेगा लोगों को? सुरक्षा व्यवस्था में हमारे सिविल पुलिस, आर्म पुलिस के जवान, PAC के जवान, जल पुलिस और इसके अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस के भी जवान तैनात किए गए हैं। वाराणसी के चेतगंज थाना अंतर्गत चौका घाट लकड़ी मंडी के तिराहे के पास गुरुवार की शाम गोली चलने से हड़कंप मच गया। प्रारंभिक सूचना के आधार पर गोली एक छात्र को लगी है, जिसे पहले कबीर चौरा अस्पताल और बाद में स्थिति गंभीर होने पर ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। गोली से घायल युवक का नाम विजय नारायण पांडे, उम्र 21 साल है। विजय को जांघ में गोली लगी है। वहीं घायल युवक ने आरोप लगाया है कि पुरानी रंजिश में एक छात्र ने ही उसे गोली मारी है। फिलहाल मौके पर पुलिस अधिकारी मौजूद है और घटना की जाँच कर रहे हैं। चैत्र नवरात्र पर पिछले 2 साल से कोविड के चलते मंदिरों में दर्शन पूजन ठीक से नहीं हो रहा था। इस साल देवी मंदिरों में नवरात्र को लेकर विशेष तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंदिरों के रंग रोगन के साथ ही उसमें सजावट का कार्य भी शुरू हो गया है। चौक स्थित प्राचीन माता चंद्रघंटा के मंदिर में और संकटा गली में मां कात्यायनी के दरबार में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं प्रथम दिन माता शैलपुत्री के दर्शन का विधान है। जैतपुरा थाना क्षेत्र के अलीपुर में स्थित माता शैलपुत्री के दरबार में इस समय नवरात्र को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।